चित्रकूट में दीपावली का दीपदान अमावस्या मेला बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मेले का आयोजन त्रेता युग से ही किया जा रहा है। इस बार भी दीपावली दीपदान के अमावस्या मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन ने अयोध्या की तर्ज पर विशेष इंतजाम किए हैं। श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास बोर्ड की तरफ से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीपावली मेले को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। चित्रकूट में शुरू होने वाले 5 दिवसीय दीपावली दीपदान अमावस्या मेले को लेकर धर्मनगरी को लाइटों से सजा दिया गया है। शहर के स्टेशन से लेकर रामघाट तक पड़ने वाले सभी चौराहों को सजाया गया है। इसके साथ ही बेड़ी पुलिया से लेकर रामघाट तक रंग बिरंगी लाइटों के साथ आकर्षक स्वागत गेट भी बनाए गए हैं और रामघाट पर अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर को लाइटों के माध्यम से दिखाया गया है। वहीं रामघाट के सभी मठ मंदिरों को फसाड लाइटों से सजाया गया है। इसके साथ ही इस 5 दिवसीय दीपदान मेले में बुंदेलखंड की पुरानी कलाओं और लोक संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए जगह जगह कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश प्रदेश के जाने माने कलाकार इन कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देंगे। अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर का आखिरी दीपोत्सव बेहद ही खास होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भाव और दिव्या मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। राम की पैड़ी पर जहां 24 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे, तो वहीं गर्भगृह में शुद्ध गाय के गोबर से बने विशेष दीपक रामलला के सामने जलाए जाएंगे। दीपक से रामलला का दरबार सजाया गया है, जिसे सीएम योगी जलाएंगे। दीपों से रामलला का गर्भगृह रोशन किया जाएगा, जिसके लिए कारीगर लगातार दिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता की माने तो रामलला की अस्थायी गर्भगृह का ये आखिरी दीपोत्सव है, इसीलिए भी ये बेहद खास है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों उत्तराखंड आई हुई हैं। एक्ट्रेस ऋषिकेश पहुंची, जहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया। रवीना टंडन ने यहां परमार्थ निकेतन घाट पर साधु संतों के साथ गंगा आरती उतारी। इस दौरान वो पूरी तरह से भक्ति में डूबी नजर आईं। आरती के दौरान गंगा घाट का नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखाई दिया। रवीना टंडन ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम पहुंची। ये आश्रम भारत के टॉप योगा केंद्रों में से एक है। रवीना यहां अपनी बेटी राशा थडानी के साथ आई थी। हालांकि आरती के दौरान उनकी बेटी दिखाई नहीं दी। गंगा आरती करते हुए रवीना का ये वीडियो सामने आया, जिसमें वो माथे पर बिंदी लगाकर और लाल सूट में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है।